स्किल को जानना, उसे डेवलप करना और फिर उस स्किल के दम पर एक जॉब पाना चुनौती से कम नहीं होता है। पर कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम स्किल बेस्ड जॉब या करियर की तरफ मूव कर सकते हैं। ऐसे कुछ तरीके हैं निपुण, स्किल इंडिया, अग्निवीर, अप्रेंटिस मेला। और आज के वीडियो में इन्हीं कुछ अवसरों को डिस्कस करेंगे जो यूथ को हेल्प कर सके एजुकेशन में, करियर में, समझेंगे भी कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप 12th पास हैं या ITI कर चुके हैं तो आपके लिए टेक्नीशियन भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है और आप फायर सेफ्टी टेक्नीशियन कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स से कैंडिडेट आग से सुरक्षा के नियम व सावधानी, अग्निशमन यंत्रों का उपयोग एवं रखरखाव सीख जाता है। और इस कोर्स को करने के बाद कैंडिडेट अस्पतालों, उद्योगों, कार्यालयों और स्कूलों में एक फायर सेफ्टी टेक्नीशियन के तौर पर अपना करियर बना सकते हैं। 450 घंटों के इस कोर्स में 350 घंटे की बेसिक ट्रेनिंग और 100 घंटों की ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। यह कोर्स आपको स्किल इंडिया और हाइड्रोकार्बन सेक्टर स्किल काउंसिल से करने मिल सकता है। इसकी ज्यादा जानकारी आपको HSSC की वेबसाइट पर मिल जाएगी, जहां नोटिफिकेशन टैब को क्लिक करते ही एलिजिबिलिटी और जरूरी डिटेल्स मिल सकती है। साथ ही एक ईमेल आईडी जारी किया गया है जिस पर मेल करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ, अगर आप स्कूल लेवल तक भी एजुकेशन लिए हुए हैं या कोई एजुकेशन नहीं है आपके पास, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर कोर्स से टेलरिंग स्किल पा सकते हैं अपने बिजनेस को बनाने के लिए, और यह कोर्स आपको ई स्किल इंडिया पर मिल जाएगा। पर अगर आप नहीं जानते ई स्किल इंडिया के बारे में, तो यह वीडियो जरूर देखिए और अकाउंट बना करके कोर्स कीजिए। अब अगले अवसर की बात करते हैं। दोस्तों, देश में एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है जिससे आप सेना के साथ जुड़ सकते हैं। आप अग्निवीर के तौर पर देश सेवा करके अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और 5 जुलाई 2022 तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अप्लाई के लिए agnipadvayu.cdse.in से अप्लाई किया जा सकता है या यहाँ पर दिखाए गए स्कैनर से डायरेक्ट अप्लाई पेज मिल जाएगा आपको। इसमें 10th या 12th पास कैंडिडेट या 3rd ईयर डिप्लोमा कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 23 साल है। सेलेक्ट हुए कैंडिडेट को डिग्री करवाई जाएगी, एजुकेशन क्रेडिट मिलेगा, ब्रिजिंग कोर्स मिलेगा, सैलरी और कई सारे लाभ मिलेंगे। अग्निवीरों के लिए नौसेना, वायुसेना, आर्मी तीनों ने नोटिफिकेशन लेकर आया है, जिनके लिए आवेदन अलग अलग डेट पर होना है। जैसे नौसेना में आवेदन 1 जुलाई से स्टार्ट होने हैं और वायुसेना में 5 जुलाई 2022 तक अप्लाई किया जा सकता है ऑनलाइन। इस पेज से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन एग्जाम से होना है, जिसके मॉडल क्वेश्चन पेपर भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों, 20 जून को निपुण यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिसके अंडर 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर को ट्रेनिंग मिलना है। NSDC और स्किल इंडिया के अंडर शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में किसी भी एजुकेशन के कैंडिडेट भाग ले सकते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क करते हैं या सीखना चाहते हैं। इसमें ट्रेनिंग मिलेगी जिससे वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। इस प्रोग्राम में भाग लेने और इंफॉर्मेशन के लिए एक नंबर प्रोवाइड किया गया है, जिससे जानकारी ले सकते हैं वर्किंग डेज में, वर्किंग टाइम में। इसके अलावा 5th से लेकर 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए हर मंथ के 2nd मंडे को अप्रेंटिस मेला लगाया जाता है, जिसमें कैंडिडेट का कंफ्यूजन भी दूर किया जाता है और कंपनी डायरेक्ट कैंडिडेट को हायर करती है। तो आप DGT की वेबसाइट पर किसी भी टाइम रजिस्टर कर सकते हैं। इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया है, आप देखिए। ये कुछ अवसर हैं जो आपको एक राह दे सकते हैं, बिकॉज करियर या एजुकेशन के हर मोमेंट में हमें कुछ ना कुछ सवाल परेशान करते रहते हैं, इसीलिए ऐसे अपॉर्चुनिटी की बातें भी होना चाहिए। इस पर अगला वीडियो भी आएगा जो आपके कंफ्यूजन को दूर करेगा। लेकिन आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर दोस्तों।